हेलो वेलकम टू यूपीएससी समाचार आज हम डिस्कस करेंगे एक मई 2024 की आपके इम्पोर्टेंट न्यूज स्पेशली यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसमें हम टॉप फाइव सिक्स न्यूज डिस्कस करते हैं आपके यूपीएससी प्री की और एक हमारा डिस्कशन रहता है एडिटोरियल का जो कि मेंस के परस्पेक्टिव से रहता है तो इस तरीके से प्री और मेन्स दोनों को हम एक साथ डेली uh, बेसिस पे कवर करने की

गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट कर, कर सकते हैं नेक्स्ट uh, हमारी न्यूज है अबाउट इंडियन सोसाइटी जिसमें स्ट्रीट वेंडर एक्ट के रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है तो अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम ये हमारा टॉपिक है जीएस पेपर थ्री का उसके लिए आपका रेलिवेंट रहेगा नेक्स्ट इज अवर जो मील है ये महाराष्ट्र के कंटेक्स में डिस्कस करा गया कि जो मील है हमारी वो काफी महंगी हो गई है बाइस सेवेंटी वन परसेंट इन द लास्ट फाइव ईयर बट सैलरी कम ही इंक्रीज हो पाई है तो ये हमारा इन्फ्लेशन या इकोनॉमी का एक टॉपिक रहेगा आप इसको यूज आ कर सकते हैं अपना फैक्ट भी mains के answer writing में फिर हमारा core sector की एक है 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 5.2 थोड़ा सा slide हुआ है। तो आपसे में पूछा भी जाता है, core sector क्या है उसके components क्या हैं और कितने परसेंट वो आईआईपी का कंट्रीब्यूट करता है मैपिंग में आज हम देखेंगे पार्क स्टेट और फिर एडिटोरियल एनालिसिस है वो हमारा सोशल इश्यूज का रहेगा हेल्थ का इसमें हमारा आज का टॉपिक है ईपीआई है असेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन तो इम्यूनाइजेशन में हमने क्या अचीव किया क्या अलग अलग प्रोग्राम रहे क्या इश्यूज आते हैं कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ये हमारा आज का का डिस्कशन रहेगा मेंस मेंस के से और आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा सो लेट इट स्टार्ट देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है आईएमए का सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पतंजलि को लेके इश्यू चल रहा था उन्होंने अपना मान लीजिए रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर रखा था क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं थे तो उन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी काफी न्यूज पेपर में आ, पब्लिक न्यूज पेपर में इंडिया के डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है उसी के साथ इसमें आ, कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपका आर्बिट्रेरी चार्ज किया जाता है हाई चार्ज किया जाता है

जो मेडिकल एजुकेशन होती है सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है और लोगों के परस्पेक्टिव से जो होता है तो उसको भी ये ब्रेक करना चाहते हैं तो ये इनका मेजर रहेगा हमारा इतना ही है मेनली काम का ठीक है है नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि जीएस पेपर थ्री एनवायरमेंट की माइक्रोब जो है नॉट द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द न्यू मेथिन पहले क्या हो रहा था कि फॉसिल फ्यूल जो हम जला रहे थे उससे आपका ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बन रही थी अभी माइक्रोब्स की वजह से बन रही है स्पेशली लाइव स्टॉक तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें एक बात करी गई है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं आ, दिस इन्होंने स्टार्ट किया है कि फॉर द लास्ट थ्री इयर्स नवीन चंद्र अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दिस डे जहां पे वो सिमुलेशन रन करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज में जो कि जापान में एसोसिएटेड है अब यहाँ पे वो अपने ऑडिटोरियम साइज के सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और पिछले 50 साल में जो भी ग्रीन हाउस में चेंजेस हो रहे हैं उनको ये देख रहे हैं तो उन्होंने पाया है कि अराउंड जो रिसेंट एस्टिमेट है तो काफी चेंज देखने को मिला और जो कंसेंट्रेशन है पिछले तीन साल में तीन गुना आपकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई है यहाँ पे हमने एफ लिखा है एफ इज फैक्ट ये आपका मेंस में फैक्ट आप यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है गैस uh, एमिशन और इन सब की इम्प्रूव होती जा रही है इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में डाला है मीथेन को बायोजेनिक एंड थर्मोजेनिक बायोजेनिक जो कि लाइफ स्टॉक से आपकी जनरेट होगी थर्मोजेनिक जो कि आग लग के आपकी जनरेट होगी या फिर कमिशन से जनरेट होगी तो माइक्रोब का हम देख लेते हैं माइक्रोव बेसिकली होते क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया है वायरस है फंगस है ये अलग अलग केमिकल प्रोसेसिस से बायोलॉजिकल प्रोसेसिस से आपकी मिथेन जो है वो बनाते हैं ये मोस्टली आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं सिंगल सेल मल्टी सेलुलर आपके हो सकते हैं ये बड़ी ही वाइड रेंज ऑफ सेटिंग में आपके पाए जाते हैं चाहे कोल्ड हो हॉट हो ठीक है आ, हर जगह डेजर्ट में भी मिलेंगे तो काफी वाइड एरिया में रहते हैं इसलिए इनसे जो मीथेन का मिशन है वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है थोड़ा सा मीथेन के बारे में हमें बताना चाहिए मीथेन इज सी एच फोर कार्बन है चार हाइड्रोजन है और कलरलेस है ओडरलेस है ये ध्यान रखना है ओडरलेस है हाईली इनफ्लमेबल है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आपका मीथेन रहता है अब अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसके जो दो मेन कंपोनेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कल भी दो लोगों ने बहुत अच्छे आंसर करे हैं और इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहें थोड़ा सा दिमाग भी चलेगा और रिकॉल uh, भी आपको चीजें हो पाएंगी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत हेल्प करती हैं तो इसमें जैसे देखिए एक नेक्स्ट चीज है कि ये काफी पोटेंट हीट एब्जॉर्बर है उसी से ग्रीन हाउस गैस मतलब जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो भी मीथेन का काफी ज्यादा होता है अगर सत्रह से देखें तो वन uh, आपका इंक्रीज देखने को मिला है एंड ऑन द अदर हैंड हम uh, जैसे सीओ uh, टू से अगर कंपेयर करें तो ये सेकंड मोस्ट अबंड ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर सीओ बट ट्वेंटी परसेंट आपका ग्लोबल एमिशन को ही अकाउंट करता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा हार्मफुल ज्यादा क्यों है इनविजिबल गैस है दिखती तो है नहीं वो तो कोई बात नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस में आप स्टोव यूज करते हैं हीट होम्स यूज करते हैं पावर इंडस्ट्री में हम इनको यूज करते हैं तो वो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है ठीक है मतलब कंट्रीब्यूट करता है ऐसा ही एक सवाल आपसे यूपीएससी 2023 हजार प्रिलिमिनरी में पूछा गया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किन किन इंडस्ट्रीज में हेल्प करेगी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए तो वहां पे तीन चार ऑप्शन दे रखे थे तो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं ठीक है फिर यहाँ पे जैसे देखिए जो एमिट होता है उसके साथ साथ कई बार बैनजीन भी एमिट होता हुआ दिखता है और ये लिंक्ड है आपका हार्ट डिजीज कई बार बर्थ इफेक्ट अस्थमा भी कर देता है या हेल्थ इंपैक्ट आपको एडवर्सली देखने को मिलता है ये एक मेन्स का क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखा है इस टाइप से डायरेक्टली आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं यूपीएससी में इस टाइप से नहीं आते बट प्रैक्टिस के लिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इंपैक्ट रहेंगे फिर देखिए नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंडियन सोसाइटी से रिगार्डिंग कि इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट अब हमें पता होना चाहिए अभी देखिए मेनली क्या हुआ है कि टू थाउजेंड में एक मई को आपका एक्ट आया था अभी इसके दस साल हो गए तो दस साल आ, पांच दस पंद्रह साल किसी भी चीज के होते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूपीएससी के लिए बन जाता है क्योंकि एक डिकेट हो गया है तो इसमें हमने देखा कि लगभग जो स्ट्रीट वेंडर है हमारे इंडिया में टू पॉइंट फाइव परसेंट द अर्बन पॉपुलेशन को ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस फैक्ट को आप मेन्स में जरूर यूज करें तो जब भी कोई स्ट्रीट वेंडर का आपका है इसी टाइप से आपको फैक्ट आप प्रिपेयर करने हैं उसके अलावा यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि जैसे स्ट्रीट वेंडर है वो हमारी सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं जैसे आप कैन यू इमेजिन मतलब एक वड़ा पाव के बिना मुंबई ठीक है चेन्नई में विदाउट रोड साइड डोसा अगर आप देखें तो मतलब काफी हद तक हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है वो इसी में स्ट्रीट वेंडर एक्ट में आपके जैसे टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई थी जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे अलाउ करेंगे ताकि प्रोसेस को स्मूथ किया जा सके अब यहां पे इन्होंने कहा है कि मेजरली तीन चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं थ्री ब्रॉड चैलेंजेस सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी हद तक कई बार देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरासमेंट करता है नोटिस देता है

ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी कई चीजें बताई हैं यहाँ पे अब जैसे एक और चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर इनको डील करती है मेजरली अर्बन एरियाज को तो आप अपने आंसर्स में इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीजरियल बॉडीज का नाम जरूर डालेंगे वो काफी इफेक्टिव आपके आंसर को बनाता है ठीक है जैसे अब मेन्स के हिसाब से आपसे कभी भी चैलेंजेस पूछे जाते हैं तो आप आई के फॉर्म में सोच सकते हैं आई क्या है आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस

स्ट्रीट वेंडर की वो फिर से हमारी यही बात हो रही है उनके पास रेगुलर जॉब्स uh, नहीं होती उतना लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं होता स्किल नहीं होता सो दे जस्ट वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है अब इनके सिचुएशन uh, को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक्ट लेके आया था जिसमें जो हॉकर्स हैं वो सारे इसमें प्रोटेक्टेड हैं हमारी अर्बन इकोनॉमी का काफी इंटीग्रल पार्ट ये है अफोर्डेबल कन्वीनियंट आपको प्रोवाइड कराता है गुड्स आपको प्रोवाइड कराता है कई बार हमें स्ट्रीट वेंडर्स के पास मिल जाती हैं, ठीक है थेके? अब यहाँ पे देखिए, वी मतलब एक क्लियर नीड है कि इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए स्पेशली एक तो इस प्रोसेस को काफी स्मूथ बनाने की आवश्यकता है कि इसको रहते रहते कैसे सोसाइटी इवोल्व कर सकती है तो वो भी रहे ठीक है इसीलिए लेके आए तो एक तो हमने टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई नंबर टू उस कमेटी में हमने रिप्रेजेंटेशन की भी बात करी तो क्योंकि ज्यादातर आपका वीकर सेक्शन से ही एसोसिएटेड है तो हमने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हैं वुमेन हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी टीवीसी में आपका एंश्योर करने की कोशिश करी इंक्लूडिंग डिसेबल्स इसके बाद डिसीजन मेकिंग में भी इनके अलग अलग वेंडिंग जोन बनाए गए मार्केट आइडेंटिफाई किया गया एक प्लान बनाया गया सर्वे किया गया और उसी के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स को आपके रजिस्ट्रेशन दिए गए ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा भी ना हो लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और सबको इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके सर्टिफिकेशन भी दिए गए तो ये रहा स्ट्रीट वेंडर्स का ठीक है नेक्स्ट हमारी न्यूज है कॉस्ट ऑफ मील्स आपका सेवेंटी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुई है बट ऑन द अदर हैंड आपका जो वेजेस है सैलरी है वो थर्टी सेवन परसेंट इनक्रीज हो पाई है, बड़ी problem आपकी रहती है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की एक होता है कोर इन्फ्लेशन तो कोर इन्फ्लेशन में दो एफ नहीं आते आपको बताना है कि वो टू एफ क्या है मतलब दो ऐसे वर्ड है जो एफ से शुरू होते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस एफ माइनस एफ इक्वल्स टू कोर इन्फ्लेशन तो वो क्या है यहाँ पे हिंट आपके पास सामने इसी न्यूज में ही है तो ये आपको बस पता होना चाहिए महाराष्ट्र की न्यूज है डायरेक्टली वैसे कोड नहीं कर सकते बट आप हल्का फुल्का बता सकते हैं जैसे ये इन्होंने कुछ फैक्ट दिए हैं बट उतने काम के हमारे है नहीं डेली वेजेस जो अर्न कर रहे हैं उनका मेजोरिटी आपका फूड में ही रहता है ये हमारे काम की न्यूज है कोर सेक्टर फाइव स्लाइड हुए हैं हम बार बार हमें ये नहीं देखना कितने परसेंट डाउन हुए इंक्रीज हुए एक मोटा मोटा ट्रेंड आपको बताना तो तो उसमें चेंजेस आपके आए हैं आईसीआई जो है वो हमारा जो आई है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स तो सारी इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं उसका जो कोर इंडस्ट्रीज है वो 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है यानी काफी मेजर चंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एट इंडस्ट्रीज से ही आपका आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पे दे रखे जैसे स्टील नेचुरल गैस सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी अब देखो इस टाइम पे क्या है कि जैसे एक सवाल यूपीएससी में ये पूछा गया था कि कोर इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है सबसे लोवेस्ट परसेंटेज किसका है ये हमें पता होना चाहिए और उनके कंपोनेंट क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है तो ये अब हम देख लेते हैं आर्ट सेक्टर है अब इसकी आपकी ट्रिक क्या रहेगी देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे घर बनाया है घर बनाने के लिए आपको जो चीज चाहिए तो घर में एक लाइट भी लगानी पड़ेगी तो ये लाइट लगा के घर बनाया हुआ है और फिर बाद में घर बनाया तो आप उसमें खाना भी पकाओगे तो ये हमारी ट्रिक है घर बनाएंगे तो हमें सबसे पहले स्टील सरिए लगते हैं सीमेंट लगती है और इलेक्ट्रिसिटी आपको घर में चाहिए तो ये तीन चीजें आपकी रहेंगी उसके बाद जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए या तो आप कोयला यूज करोगे या फिर आप नेचुरल गैस यूज करोगे अब खाना पका लिया है तो अब खाना किस में है? या तो ऑयल में हम पकाएंगे या फिर रिफाइंड में हम पकाएंगे ठीक है या फिर आप ये कह सकते हो कि रिफाइंड ऑयल में पकाएंगे तो दो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी तो दो दो चार पांच छह सात ये हमारे हो जाएंगी तो ये आपके सारे के सारे अलग है अब हम इनको देख लेते हैं और लास्ट में एक और चीज है कि खाना जब हम बनाते हैं तो जब आप पौधे उगाओगे तो उसमें आपको फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे तो ये इंडिया की मेन कोर इंडस्ट्रीज हैं क्या क्या हैं कोल है क्रूड ऑयल है नेचुरल गैस रिफाइनरी फर्टिलाइजर स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको हम ये मंथली आपका आता है इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री सवाल आपसे पूछा जाएगा मंथली है एनुअल है बाय एनुअल है किस टाइप का ये इंडेक्स है पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है ठीक है ये इसको कोर को ही मेजर करेगा कलेक्टिव भी मेजर करता है सबका मिला के और इंडिविजुअल इंडस्ट्री का भी मेजर करता है फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ स्टील का चाहिए तो सिर्फ स्टील का भी ये बताएगा दो हजार से पहले हमारी इसमें छह इंडस्ट्रीज होती थी दो नई इंडस्ट्रीज आपकी बाद में एड करी गई वो नई क्या थी फर्टिलाइजर एंड नेचुरल गैस अब इनमें भी अगर हम देखते हैं कि कौन सा हमारा टॉप पे रहेगा तो हमारा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है वो सबसे टॉप पे है सबसे कम पे क्या है आपका फर्टिलाइजर आपको दोनों ही याद रखने हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी टॉप पे होता था अब इलेक्ट्रिसिटी सेकंड नंबर पे आपका आता है तो ये आपकी प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब हमारा आज का एडिटोरियल है प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को हम इम्यूनाइज करते हैं अडल्ट को हम इम्यूनाइज करते हैं कोई भी वैक्सीन है तो वो आपको दी जाती है और ये सवाल आपका एच सी एस में भी पूछा गया था कि वॉट इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट ठीक है अभी इससे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आपसे पूछा गया था ये आपका एनसीआरटी में भी दिया हुआ है तो और वैसे आ,

पीआई तो हमने इसके कांटेक्स्ट देखी पहले स्मॉलपॉक्स एक बीमारी होती थी पोलियो हम देखते हैं तो पोलियो को भी हमने एलिमिनेट किया स्मॉलपॉक्स को भी इरेडिकेट किया अब तो कोई केस ही नहीं देखने को मिलता तो इसमें हमने सबसे पहले जैसे एक इम्यूनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करी कि वैक्सीन हो गई ठीक है और उसको स्टोर करने का प्रोसेस हो गया उसको मॉनिटर करने का प्रोसेस हो गया टेंपरेचर मेंटेनेंस कोल्ड स्टोरेज ये सारी चीजें होगी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया हमने अपने वर्कफोर्स को भी ट्रेन किया फिर उसका डाटा मेंटेन किया ये सारी चीजें हमने करी इस तरीके से ये प्रोग्राम चला ईपीआई इंडिया में लॉन्च किया गया था 1978 में

बाय बढ़ता जा रहा है 1970 में सिर्फ 5 ही चिल्ड्रन थे जो कवरेज में आते थे अभी 84 परसेंट आपके हो गए ग्लोबल लेवल अचीवमेंट जैसे भी हमने देखा, box, pol, का हमने कर लिया है इंडिया में एक और चीज है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका जो शेयर है इट इज अराउंड सेवेंटी परसेंट तो ये कल भी हमने कुछ फैक्ट देखे थे के जैसे प्राइवेट सेक्टर का शेयर है सेवेंटी परसेंट और बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कल मैंने बताया था उसमें से आपको कितना याद है नंबर वन आपका अर्बन एरिया और रूरल एरिया उसमें कितना पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का और ओवरऑल अर्बन रूरल का कितना पार्टिसिपेशन डॉक्टर्स का रहता है सेकंड इंडिया में डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो क्या है थर्ड इंडिया में ऊप्स क्या है ऊप्स की कल मैंने आपको स्मॉल फॉर्म भी बताई थी अब आप उसका परसेंटेज भी बताएंगे ठीक है तो यह है ट्वेंटी अब यहाँ पे यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट भी आपकी रिलीज करी है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जिसमें पहली बार ये बताया गया है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमारा जो आपका वो है वो डिक्लाइन हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हमारा चलेगा इसमें चाइल्डहुड फोकस ओके आ, तो इसमें हमारा ये था कि आ, जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमारा डिक्लाइन हुआ ये हम डिस्कस कर रहे थे अब देखिए चाइल्डहुड टू लाइफ कोर्स पहले क्या था कि मेजरली वैक्सीन का फोकस बच्चों पे ज्यादा रहता था अब हम अडल्ट वैक्सीनेशन पे भी फोकस कर रहे हैं आ, जैसे कोरोना के टाइम पे देख लीजिए अभी रिसेंटली अच्छा एक चीज बताइए कोविशील्ड वैक्सीन को लेके न्यूज चल रही थी कि उसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं वर दो तो आपको बताना है नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे लोग हैं बच्चे हैं सबको कवर कर रहे हैं जैसे रेबीज की वैक्सीन है वो आपका दी जाती है ठीक है तो स्कोलरा है टाइफॉइड है रेबीज में वैसे इम्योनोग्लोबीस आपकी दी जाती है अडल्ट के लिए प्लेग की वैक्सीन है वो एडल्ट्स के लिए यूज करी गई थी ठीक है गवर्नमेंट भी लगातार गवर्नमेंट पॉलिसी से एडल्ट एल्डरली पीपल्स में आपका वैक्सीन कवरेज बढ़ा रही है एचपीवी हमारी एचपीवी काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हम इसको बोलते हैं ये आपका सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है स्पेशली फॉर गर्ल्स इन द प्री मैरिटल एज ठीक है बिफोर आप आ, फिजिकल कांटेक्ट किया सेक्सुअल uh, इंटरकोर्स uh, में जाते हैं उससे पहले लगवाने से ज़्यादा फायदा रहता है कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं तो जो यंग फीमेल है मैरिज के बाद भी आप लगवा सकते हैं 25-26 इयर्स तक तो जो भी स्टूडेंट uh, देख रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके लगवा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अभी ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ये है अब उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने जैसे रेकमेंड करने वाली है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ठीक है उसके अलावा कई मिथ्स होते हैं मिसकंसेप्शन होते हैं वैक्सीन को लेके भी तो लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखी जाती है कई बार आपको इस टाइप की न्यूज भी सुनने को मिलती है कि वैक्सीन लगवाने से इनफर्टिलिटी आ जाती है तो कई लोग इस तरीके से भी नहीं लगवाते बट उनको भी सरकार टारगेट कर रही है कि अवेयरनेस के थ्रू उसको सोल्व किया जा सके तो अडल्ट और एल्डरली में भी हम कर रहे हैं मेडिकल 50 साल में हमने एक्सपेंशन कर लिया है और इस एक्सपेंशन को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी है वैक्सीनेशन में दैट इज बांग्लादेश बांग्लादेश का आप मुझे बताइए कि परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन कितना है आप सर्च करेंगे इसको उसके अलावा लाइव

किया था करते हैं कि करोड़ बच्चे और तीन करोड़ को वैक्सीन कर पाए इसमें आपकी बारह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है मिशन इंद्र धनुष भी हम इसको बोलते हैं बारह वैक्सीन इसमें रहती हैं जिसमें नेशनली आप नो वैक्सीन को तो नेशनली लेके चलते हो जैसे डीपीटी डिप्थेरिया टेटनस पोलियो है मेजल्स है है एक सवाल ये भी आ सकता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कम्स अंडर ठीक है फिर हमारा जैसे टीबी रहेगा ये आपके बचपन में ही पैदा होते लगाई जाती vaccine, है बीसीजी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी है मैनेजाइटिस एंड न्यूमोनिया है हिमोफिल इन्फ्लुएंजा है उसके अलावा सब नेशनली तीन डिजीज हमारी और होती है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इसमें क्या क्या है आपका रोटा वायरस है आनुमोकोकल है, जापानीज एंसेपेलाइटिस है, रोटा वायरस बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का, ठीक है? तो रोटा वायरस एंड एंसेपेलाइटिस, जापानीज एंसेपेलाइटिस ये आपका ब्रेन में जाके इंफेक्शन करता है, फिर उसके अलावा जैसे हमने 2014 तक पोलियो को एलिमिनेट कर लिया, और

ट्वेंटी फाइव ईयर हो गए थे हमारे पल्स पोलियो के तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने थ्री लॉन्च किया दो में जो की चिल्ड्रन और आपका प्रेगनेंट वुमेन को फोकस कर रहा था ठीक है फिर आपका फोर पॉइंट हो जो कि अनवैक्सीनेटेड को ही फोकस कर रहा है अनवैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन तो ये हमारे रहेंगे ठीक है तो ये फोर में आप ध्यान में रखेंगे कि अनवैक्सीनेटेड पे ही फोकस है NH, uh, National Family health Survey 5, उनकी भी रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, है number two. 1948 में इंडिया के इंडिपेंडेंस uh, के एक साल बाद ये बनी थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करता है बट अभी भी कोरोना uh, के टाइम पे काफी न्यूज में था कि बिकॉज ऑफ मेनी रीजन डब्ल्यू एच जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो इस टाइप के चैलेंजेस भी आपसे यूपीएससी मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग टू तो डू देयर वर्क या फिर कैसे उनको आ, रिफॉर्म किया जा सकता है यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है तो यहाँ पे भी नाइनटीन फोर्टी सिक्स में एक साल पहले बना था हमारी आजादी के हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में ठीक है तो ये है आज का हमारा मैपिंग का क्वेश्चन है पार्क स्टेट पार्क स्टेट आपको पता होना चाहिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इसको विजिट किया था इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो गए थे तमिलनाडु की आपको उस लोकेशन का नाम बताना है पीआईबी में ये चल भी रहा था ठीक है न्यूज में भी आया था तो यहाँ पे जैसे ये श्रीलंका है ये हमारा इंडिया है ये आपका ये जो नोजी है नोजी तमिलनाडु की बनती है लास्ट में हमारा रामेश्वरम आता है इन दोनों के बीच में रामेश्वरम तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार आपका है और इधर बे ऑफ बंगाल है इन दोनों के बीच में आपका पार्क स्टेट ठीक है स्टेट जैसे कल हमने देखा था स्टेट ऑफ मलाका तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो स्टेट ऑफ मलाका किस और किसके बीच में आप बताए और उसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है फिर देखो अगला यहाँ पे जैसे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है रोबर्ट पार्क के नाम से रखा गया था जो कि गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश राज पीरियड में 19, 1755, 1763, ठीक है ये हो गया तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा जैसे यहाँ पे पंबन आइलैंड है साउथ में जो इंडिया का सबसे साउथ है आइलैंड इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं और आपके रॉक्स होती हैं उनसे ये बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार है हमारा यहाँ पे मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का ठीक है गल्फ ऑफ मन्नार में आपका दुदोंग मिलता है सी दुदोंग जो कि यूपीएससी प्री में भी आपका पूछा गया था कि हरबी है यहाँ पे रहता है ये बेओ बंगाल को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार से ये ध्यान रखेंगे उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आपकी आती हैं जैसे कि वैगई रिवर uh, आती है वैगई वैगई इज वेरी वेरी रिवर 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 मेजर जो है है वेस्ट ईस्ट साइड फ्लो में सबसे साउथ मोस्ट आती अगर हम ऊपर से चलते हैं तो जैसे uh, गोदावरी कृष्णा कवेरी महानदी जो सबसे ऊपर है तो ऐसा रहेगा ठीक है तो आपको एक और चीज बतानी है वैगई में कौन सी सिटी है उस सिटी का एक फेमस टेम्पल वो फेमस टेम्पल किस डायनेस्टी ने बनाया तीन सवाल आपके लिए है नेक्स्ट यहाँ पे भी है. है, का ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी गई थी, उसमें A, B, C, कर रखी थी। और आपसे पूछा था कि जाफना कहां पे लोकेटेड है तो मैं आपसे इन चारों को देके पूछना चाहता हूं कि जाफना कहां पे लोकेटेड है हिंट आपका इसी वीडियो में मैंने यहां पे डाल रखा है ठीक है तो ये आपका रहेगा आज का बाकी आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी यूपीएससी समाचार की आप अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं आपका कोई सजेशन है तो उसको भी डाल सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सी टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो टेल सीयू टूमोर गुड बाय